मैसेकर क्या था? अमृतसर मैसेकर अमृतसर एक जगह का नाम था। आप ये बोलोगे अमृतसर के अंदर एक जगह थी जालियांवाला बाग। अब आप बोलोगे सर मैं सिर्फ अमृतसर याद कर लूं, जालियांवाला बाग याद नहीं करूं। बेटा पेपर में एक सवाल आया था, सवाल ये आया 2021 के पेपर के अंदर, 2022 के पेपर के अंदर, डिस्क्राइब द इंसिडेंट दैट हैपेंड एट जालियांवाला बाग। अब अगर आपको ये माइनर डिटेल्स याद नहीं होंगी तो आप कैसे अटेम्प्ट करोगे? तो बात ये है कि बाद में आप रोना धोना करो अल्लाह अकबर हमारे टीचर ने हमें पढ़ाया नहीं, तो बेहतर है कि अभी से क्या कर लो, इतनी मेहनत कर लो कि बाद में आप किसी और के ऊपर ब्लेम गेम नहीं करो कि यार मेरा रिजल्ट इसलिए नहीं आया क्योंकि मेरे टीचर बहुत घटिया पढ़ाते थे। मैं पता है मैं बहुत घटिया पढ़ाता हूँ, लेकिन फिर भी आपका रिजल्ट घटिया नहीं आना चाहिए, क्योंकि अगर रिजल्ट घटिया आया तो घर वाले बाद में मारने आएंगे, पहले मैं मारने आऊंगा। तो हमारे पास क्या है, अमृतसर मैसेकर। अमृतसर मैसेकर कहां पर हुआ? अमृतसर के अंदर हुआ। कहां पर हुआ? अमृतसर के अंदर। और अमृतसर के अंदर हमारे पास एक जगह थी जिसका नाम था जालियांवाला बाग। तो अमृतसर में हुआ और जालियांवाला बाग में हुआ। इसकी डेट है 13 अप्रैल 1919। सही है, आपने ये बताना है ये राउलेट एक्ट के बाद हुआ था। 13 अप्रैल 1919 में हुआ, अमृतसर में हुआ, जालियांवाला बाग में हुआ। जालियांवाला बाग के अंदर हम लोग जमा होते हैं और हम लोग कर रहे होते हैं पीसफुल प्रोटेस्ट। पीसफुल प्रोटेस्ट क्या है कि हम लोग आए 20,000 लोग आए और हम लोग पीसफुली प्रोटेस्ट कर रहे हैं किसके खिलाफ? राउलेट एक्ट के खिलाफ। लेकिन हमने एक बहुत बड़ी गलती कर दी। गलती ये करी कि हमने राउलेट एक्ट को डिसोबे करा। क्यों डिसोबे करा? क्योंकि राउलेट एक्ट में लिखा हुआ था कि आप लोग पब्लिक गैदरिंग नहीं कर सकते और हम लोग 20,000 लोग पीसफुल प्रोटेस्ट करने चले गए। ब्रिटिश ने क्या करा, पब्लिक गैदरिंग अलाउ नहीं करी हुई थी, तो एक ब्रिटिश ऑफिसर था जिसका नाम था जनरल डायर। क्या नाम था? जनरल डायर। उस जनरल डायर ने क्या करा, उस जनरल डायर ने जालियांवाला बाग एक जगह थी उसके गेट्स क्या कर दिए, क्लोज कर दिए। क्या कर दिए? गेट्स बंद कर दिए। और जब गेट्स बंद कर दिए तो उस पर ओपन फायरिंग करी, जिसकी वजह से आपके 400 लोग मर जाते हैं। कितने लोग मर जाते हैं? 400 लोग मर जाते हैं और आपके पास 1200 लोग जख्मी हो जाते हैं। कितने लोग जख्मी हो गए? 1200 जख्मी हो गए और 400 लोग आपके क्या हो जाते हैं, मर जाते हैं। अब क्या हुआ कि हमें गुस्सा आएगा ना कि हम यार वहां पे पीसफुली प्रोटेस्ट कर रहे थे, 20,000 लोग पीसफुली प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उसमें वो गेट बंद करता है जनरल डायर और ओपन फायर कर रहा है। मतलब ओपन फायर कर रहा है, उसको कोई ऑर्डर नहीं मिला हुआ लेकिन वो ओपन फायर करता है और उसके अंदर 1200 लोग जख्मी हो जाते हैं और आपके 400 लोग मर जाते हैं। उसके बाद एक कमेटी बनती है जिसका नाम होता है हंटर कमेटी। क्या नाम होता है? हंटर कमेटी। यहाँ पे हंकर लिखा हुआ है लेकिन नाम क्या है? हंटर। क्योंकि ये जिन बाजी ने ये नोट्स मुझे लिख कर दिए थे उन बाजी ने माशाल्लाह कुछ और ही समझ के लिख दिया, तो हंटर कमेटी। क्या नाम है? हंटर कमेटी बनी। हंटर कमेटी बनी और उसमें बोला गया कि कुछ ना कुछ देखो कि भाई ये क्या हुआ था, कि इतने लोग कैसे मर गए, 1200 लोग जो है वो जख्मी कैसे हो गए, 400 लोग कैसे मर गए। तो हंटर कमेटी बनती है इंग्लैंड के अंदर, जिसके अंदर जनरल डायर वॉज फाउंड गिल्टी। He was found guilty कि ये सारा जो कारनामा हुआ है ये किसकी वजह से हुआ है? ये जनरल डायर की वजह से हुआ है। अब हालांकि अगर उसने 400 लोग मार दिए और 1200 लोगों को जख्मी कर दिया था, हंटर कमेटी में वो गिल्टी भी फाउंड हो गया, अब जनरल डायर को क्या करनी चाहिए थी? उसको पनिशमेंट देनी चाहिए थी क्योंकि उसने मर्डर करा है। लेकिन जनरल डायर के साथ क्या किया जाता है? सिर्फ और सिर्फ उसको उसकी पोस्ट से रिमूव किया जाता है, उसको कोई पनिशमेंट नहीं दी जाती, कोई पनिशमेंट नहीं दी जाती, जिसकी वजह से इंडियंस को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है कि इन्होंने हमारे 1200 लोगों को जख्मी कर दिया, 400 लोगों को मार दिया, ये लोग हर चीज अपनी मर्जी से कर रहे हैं। ये ही वॉज फाउंड गिल्टी, फिर भी क्या हुआ, इंडियंस को उनको कोई सजा नहीं दी जाती, सिर्फ उसको उसकी पोस्ट से हटा दिया जाता है, जिसकी वजह से इंडियंस को गुस्सा आता है और क्या फैल जाता है, बहुत ज्यादा वायलेंस फैल जाता है। तो ये आपके पास अमृतसर मैसेकर था कि क्या हुआ, 1919 13 अप्रैल को हुआ, 20,000 लोग पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे हैं जालियांवाला बाग अमृतसर के अंदर, जनरल डायर वहां पे जैसे ही पब्लिक गैदरिंग अलाउड नहीं होती, जनरल डायर बोलता है गेट्स बंद कर दो, ओपन फायर करता है, 1200 लोग जख्मी हो जाते हैं, 400 लोग मर जाते हैं, हंटर कमेटी बनती है, जनरल डायर वॉज प्रूवन गिल्टी और जिसकी वजह से जनरल डायर को पनिशमेंट नहीं दी जाती, सिर्फ उसको उसकी पोस्ट से रिमूव किया जाता है। इस बात पर हमें बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और जब हमें बहुत ज्यादा गुस्सा आता है इंडियंस को, तो वो लोग वायलेंस फैला देते हैं। तो ये हमारे पास था अमृतसर मैसेकर, होपफुली आप लोगों को समझ आ गया होगा। जिसको समझ नहीं आया वो क्या करे, वो एन लिख कर भेजे, और जिसको समझ आ गया वो क्या करे, चिल करे। सही है, जिसको समझ नहीं आया वो क्या करे, एन लिख कर भेज दे कि सर मुझे समझ नहीं आया, और जिसको समझ आ गया वो क्या करे, चिल करे।